नगर पालिका परिषद कुमारी क्षेत्र में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान कुम्हारी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र में 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य इस समय चल रहे हैं, जिसका निरीक्षण करने शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भविष्य में पेयजल की जरूरतों को देखते हुए वृहद पेयजल योजना लाने की तैयारियां की जा रही है। वहीं शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पालिका क्षेत्र का भी दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पर तालाब सौंदर्यीकरण को भी स्वीकृति दी जा रही है। कुमारी में विभिन्न कुमारी नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं। लगभग 100 करोड़ से भी अधिक के कार्य इस नगर पालिका में चल रहे हैं और आने वाले समय में बड़ी बृहद पेयजल योजना भी आने वाली है। सभी कार्यों का समीक्षा मेरे द्वारा किया गया है। ये टारगेट यही है कि जो जितने भी बड़े काम अभी हमारे पास चल रहे हैं उनको आगामी बारिश शुरू होने के पूर्व कंप्लीट किया जाए, और अभी मुख्य रूप से जो छोटी छोटी सड़कें हैं वहाँ पे सीसीकरण और नाली के काम अभी लिए जाएंगे। तालाब जो है वो बहुत बड़ी मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी, तो उसको भी आज उसकी भी स्वीकृति आ चुकी है और दर स्वीकृति के लिए गया है। अपेक्षा यह है कि आने वाले 10-15 दिनों में वहाँ का काम निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। बहरहाल इस दौरान नगर पालिका परिषद कुम्हारी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष के रवि सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।